हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं अभी स्कूटर को चार्जिंग पे लगाया हूँ। यहाँ पे 31% मेरा बैटरी है। यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि चार्ज हो रहा है, बट एक्चुअली अगर आप यहाँ देखें तो नॉट चार्जिंग दिखा रहा है। तो नॉट चार्जिंग मतलब चार्ज नहीं हो रहा है। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मैं अपने गाँव आया हूँ, एक्चुअली अपने गाँव में आया हूँ। तो यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज करीब 165 आ रहा है अभी। और ओला का जो चार्जर है, ये वाला चार्जर, तो इससे स्टार्ट होने के लिए मिनिमम चाहिए होता है 170 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ इनपुट वोल्टेज 170 टू 270, मतलब 270 वोल्ट तक ये चलेगा। 270 तक भी ये काम करेगा, बट मिनिमम वोल्टेज इसे चाहिए होगा 170 वोल्ट। तो यहाँ पे अभी आ रहा है 165 वोल्ट। मैं आपको मेजर करके दिखाता हूँ, मेरे पास मल्टीमीटर है, तो आपको मेजर करके दिखाता हूँ कि वोल्टेज कितना आ रहा है। तो एक मिनट ज़रा रुक जाइए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है 156 आ रहा है अभी, 57। तो वोल्टेज काफ़ी कम है, हमें 170 वोल्ट चाहिए इसे चार्ज करने के लिए। तो पता नहीं अभी मेरा स्कूटर चार्ज होगा या नहीं होगा। तो अभी मुझे कुछ सॉल्यूशन ढूंढना होगा इस चीज़ के लिए कि चार्ज कैसे किया जाए स्कूटर को। जैसे आप देख सकते हैं अभी नॉट चार्जिंग दिखा रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि गांव में लोड ज़्यादा है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मोटर चल रहा है, पानी का पंप, तो सभी जगह पे मोटर चल रहा होता है, हर जगह पर हर किसी का पंप चालू होता है। तो इसकी वजह से एक ही ट्रांसफार्मर होने की वजह से गाँव में मतलब लोड ज़्यादा है ट्रांसफार्मर पर, और जो ट्रांसफॉर्मर उसका कैपेसिटी कम है, तो उसके वजह से जो वोल्टेज है वो नीचे आ जाता है और स्कूटर चार्ज नहीं होता है। अगर 170 वोल्ट आ भी जाए तो चार्जिंग तो स्टार्ट हो जाएगा, बट जो चार्जिंग में टाइम लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो जैसे कि नॉर्मली 5.5 या 6 घंटे के अंदर चार्ज हो जाता है स्कूटर, तो अगर वोल्टेज कम होगा तो आपको 9 से 12 घंटे भी लग जाएंगे स्कूटर को चार्ज करने में। तो मुझे लगता है ओला को कुछ तो करना चाहिए। वैसे तो उनकी गलती नहीं है, बट फिर भी चार्जर का जो वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज वो थोड़ा कम हो और भी तो अच्छा रहेगा, ताकि कम वोल्टेज में भी चार्जर काम करे। बट उनकी तो गलती नहीं है, उनका उसमें कोई भी गलती नहीं है ओला का। तो देखते हैं अभी मेरा स्कूटर चार्ज हो पाता है या नहीं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, शायद फेज़ चेंज करके देखना पड़ेगा कि वोल्टेज आ रहा है दूसरे फेज़ में ज़्यादा या कम वोल्टेज आ रहा है या नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आता है, तो मैं इसलिए वीडियो बना के आपको बता दिया कि अगर वोल्टेज कम हो तो आपको चार्जिंग में टाइम भी ज़्यादा लगेगा और चार्जर भी स्टार्ट नहीं होगा। तो चार्जर के लिए मिनिमम 170 वोल्ट चाहिए ही चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।